तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मुकुल टेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ YouTube रिलेटेड टिप्स बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। इन 8 महीने में मैंने क्या क्या किया जिससे कि मेरा कुछ सब्सक्राइबर गेन हुए एंड कुछ वीडियोस पे व्यूज़ आए। तो आप भी इसको यूज़ करके अपने वीडियोज़ को गेन कर सकते हैं, अपने चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे मैंने क्या किया था एंड कैसे अभी तक मैं आ रहा हूँ इस YouTube चैनल पे। मैंने अभी तक कैसे वीडियोस इतने सारे अपलोड किए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं अगर आप सबको बात करूँ यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की, तो आप अगर एक यूट्यूब चैनल आपने क्रिएट करके रखा है एंड देन आपको उसमें आपके चैनल में गेन नहीं हो रहा है, आपका चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपके अगर अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुए हैं, अगर आपने मेहनत किया है 7 महीना या फिर साल भर, तो क्या होता है कि बहुत टाइम में एक वीडियो लक के हिसाब से या फिर आपके मेहनत के हिसाब से भी वायरल हो जाता है, या फिर आप बहुत टाइम मेहनत करते हैं देन वायरल नहीं हो पाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके वीडियोज़ में कुछ कमी होते हैं, जैसा कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, या फिर आपके वीडियो में कॉन्फिडेंस आपका कैसा है। तो ये सब मैटर करता है एक वीडियो वायरल होने में, या फिर आप टैग कैसा लगाते हैं, आपके वीडियोस का टैग रैंक करता है या फिर नहीं करता है। तो ये सब आपको मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके कि वीडियोस में टैग कैसे रैंक करते हैं, तो आपका वीडियोस कैसे वायरल होता है। तो जैसा कि उसके लिए मैं आपको Y2 स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ एंड देन देख सकते हैं जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर तो उतने ज़्यादा नहीं है अभी, 340 सब्सक्राइबर है, जो कि मैंने ये 7 महीने में इतने सब्सक्राइबर को गेन किया है। आप सबका सपोर्ट मिला मुझे इस 2020 में ही मिला, जो कि आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार दिया। 340 सब्सक्राइबर भी कम नहीं होता है। ये जो एक यूट्यूब क्रिएटर है, जैसा कि अगर आप होंगे तो आप समझते होंगे कि 340 एक बहुत ही बड़ा सब्सक्राइबर होता है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है एक यूट्यूबर के लिए। तो इस जैसा कि मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि वीडियोज़ कैसे वायरल होते हैं। तो जैसा कि यहाँ से 3 डॉट आप देख सकते हैं, राइट लेफ्ट साइड में टॉप है, तो उस पर प्रेस कर लेंगे एंड देन यहाँ से चले जाएँगे वीडियोज़ में। एंड देन वीडियोज़ में आने के बाद आप देख सकते हैं, तो जैसा कि मेरे वीडियोज़ पे उतने व्यू नहीं आते हैं, जैसा कि देख सकते हैं सब टाइप के हैं, 13, 70, 21, 29, 39, 33, 61 या फिर ऐसे ही कुछ है। तो जैसा कि मैं अपना मोस्ट व्यूज वीडियो आपको दिखा देता हूँ, तो जैसा कि यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से, तो मेरा एक वीडियो है जो कि 26,956 यानी कि लगभग 27,000 के आसपास गया है। तो मेरा ये एक वीडियो वायरल हो गया है, जैसा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टैग रैंक किए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड देन देख सकते हैं। तो जैसा कि एक वीडियोज़ पे 287, 272, 202, तो ऐसे ही कुछ वीडियोज़ है जो कि मैंने लगभग अभी तक 107+ वीडियोज़ अपलोड कर दिया यूट्यूब पर इन 7 मंथ्स में, 7 महीनों में। तो जैसा कि इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड देन ओपन करने के बाद देख सकते हैं जैसा कि ये थ्री एरो जो है, व्यूज़, एवरेज व्यू ड्यूरेशन एंड द वॉच टाइम मिनट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों मेरे हाई है, रिटेंशन इनका बहुत ही ज़्यादा हाई है, देख सकते हैं जैसा कि। तो एक वीडियो वायरल करने में होने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये करता है, देख सकते हैं जैसा कि ये इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये अगर आपके वीडियो आपने अपलोड किया देन 1 आवर के अंदर में उसके आपके वीडियोज़ पर अगर तीनों ये जैसा कि व्यूज, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वॉच टाइम मिनस, अगर तीनों के तीनों अगर हाई हो जाते हैं, रिटेंशन इनका हाई हो जाता है, देन आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा तीनों के तीनों हाई हैं एंड देन अगर जैसा कि मैं एनालिटिक्स ओपन कर लेता हूँ, तो अब मैं आपको जैसा कि यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से डिस्कवरी में अगर जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि इसको ओपन कर लेंगे देन आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से, जैसा कि देख सकते हैं ये बहुत सारे इतने सारे सर्च टर्म्स से मेरे वीडियोस पे इस गूगल असिस्टेंट वाले वीडियो पे व्यूज आए हैं इन सारे सर्च टर्म्स से, आप देख सकते हैं जैसा कि। एंड देन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टैग रैंक कहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका टैग रैंक कैसे किया है। तो उसके लिए आपको ट्यूबबडी एक एप्लीकेशन होता है जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्यूबबडी एप्लीकेशन। तो ऐसे ही आप भी अपने वीडियोस में टैग लगा सकते हैं एंड देन और भी। तो जैसा कि मेरे साथ क्या होता कि मैंने जब शुरू में स्टार्टिंग में अपना वीडियो को अपलोड किया था, देन मुझे नहीं पता था कि कॉपीराइट म्यूजिक क्या होता है, नॉट कॉपीराइट म्यूजिक क्या होता है। तो मैंने क्या किया था, एक एलन वालकर करके सॉन्ग आता है, उसका मैंने ओरिजिनल सॉन्ग को अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड कर दिया था, जिससे कि क्या हुआ, मैंने तो वीडियोज़ अपलोड कर दिया एंड देन रेगुलर मैं पर डे लगभग उस टाइम 2 वीडियोज़ अपलोड करता था, एंड देन एक लगभग दोपहर में एंड देन एक शाम में।
तो क्या हुआ कि मैंने रेगुलर 12 से 13 15 वीडियो के आसपास लगभग मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, देन कॉपीराइट क्लेम उस टाइम नहीं आया था। देन बाद में 12 13 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे अचानक से मेल पे आ रहा है कि एक कॉपीराइट क्लेम वीडियो है, एंड देन एक मैंने वीडियो अपलोड किया था वो अचानक से यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। तो मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि अरे ये क्या हो गया, वीडियो कैसे डिलीट हो गया मेरा। तो उसके बाद मैंने जब जाके मेल पे देखा तो देख रहा हूँ रेगुलर बहुत सारे वीडियोस पे, मेरे सभी वीडियोस पे आने लगा कॉपीराइट क्लेम। एंड देन जब जाके मैंने क्रोम ब्राउज़र से ओपन किया डेस्कटॉप मोड में, तो देख रहा हूँ कि मेरे लगभग जितने वीडियोस थे 12-13 वीडियोस, उन सभी पे कॉपीराइट क्लेम मार दिया हुआ है। तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि कॉपीराइट क्लेम को कैसे रिमूव किया जा सकता है यूट्यूब टीम के पास मेल करके। देन मैंने क्या किया कि उस टाइम सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया यूट्यूब से। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया था मैं कि कैसे अब करूँ या नहीं करूँ। उस टाइम मैं सोच रहा था कि अब मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूँगा यूट्यूब अब। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं, ऐसे भी क्या करेंगे। तो फिर मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे करके जाके लगभग मेरे 3 से 4 महीना तक मेरे वीडियोस पे, 4 महीने तक मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते थे, 4-5 0 व्यूज़ भी बहुत सारे वीडियोस पे आते होंगे। देन उसके बाद जब 5-6 महीने हो गए, उसके बाद मैंने मेरा एक गूगल असिस्टेंट जो वीडियो मैंने दिखाया तो वो एक लगभग उस पर 150-200 इस टाइम से धीरे धीरे वीडियो पे व्यूज़ उस टाइम बढ़ने लगे। तो आज के डेट में उस वीडियोस पे मेरे पर दे लगभग 300-400 व्यूज़ आ जाते हैं। तो यही सब कुछ बातें थी जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं, यूट्यूबर हैं, आप बनना चाहते हैं बड़ा यूट्यूबर, देन आप रेगुलर मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए। व्यूज़ नहीं आते हैं कोई बात नहीं, 0 व्यूज़ भी है तो उसको आप मत देखिए, व्यूज़ को मत देखिए। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, रेगुलर मेहनत कीजिए, रेगुलर वीडियोज़ डालिए। आप जो एक टाइम सेट कर लिया है आपने, उस टाइम पे अपना वीडियोस को आप अपलोड कर दीजिए। आप कुछ मत देखिए उसके समय कि व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस आप मेहनत करते रहिए। देन एक टाइम आएगा कि आपका वीडियोस पे भी व्यूज़ आने लगेंगे, एंड देन एक आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है, देन मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल। तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि आप सबके लिए ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एंड ऐसे ही टेक्स एंड टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद जय भारत। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ।